जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब अभी हम गढ़वाल मंडल विकास निगम में, आप इस तरफ देखेंगे कि तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और ये संयुक्त धरना है कुमाऊं और गढ़वाल का। उत्तराखंड में धरना देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये धरने हो क्यों रहे हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड को धरना राज्य क्यों कहा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और जो जिस जगह हम आए हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ का यहाँ पर धरना चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मंडल विकास निगम है पर्यटन क्षेत्र में, ये संस्थान बहुत अपनी भूमिका निभाता है और इसकी शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि जो पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारी आर्थिक का मेन जरिया है उत्तराखंड का पर्यटन, उसमें वृद्धि हो चुके। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर आज ये लोग धरना करने पर मजबूर हैं? जी भाई, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और क्या कारण है और कब से धरना चल रहा है? मेरा नाम राजेश रमोला है जी। ये हमारा धरना पिछले महीने से चल रहा है। हमारा जो है जिला स्तर पे जो है हमारा एक पौधा धरती के नाम लगाना बहुत सकारात्मक तरीके से जो है, ताकि हम जो है ना तो किसी सरकार को ना हम अपने निगम को कोई नुकसान पहुंचाएं, एक सकारात्मक एक पौधा धरती के नाम लगा के पूरा जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम चले हैं जो है। उसके बाद हमारा जो है 7 तारीख को जो है 5 घंटे का कार्य बहिष्कार रहा है और फिर 13 तारीख से ये हमारा जो है धरना प्रारंभ हुआ है। जो एक धरना हमारा देहरादून में मुख्यालय में चल रहा है और दूसरा जो है नैनीताल में चल रहा है जो है। और इसमें हमारा जो है 13 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें पहली मांग तो हमारी जो है नियमितीकरण की है। जो है जो वर्षों से जो है कार्यरत कर्मचारी है सरकार द्वारा शासन द्वारा पद सृजित किए नहीं जाते और धीरे धीरे रिटायर हमारे जो है कर्मचारी हो रहे हैं और उनके सापेक्ष भी जो है नियमितीकरण की कार्रवाई जो है गतिमान नहीं है जो है। तो हमारा सरकार से एक मांग है कि एक मुश्त सुपर नंबरी के तहत जो है जितने भी कर्मचारी हमारे हैं उनको नियमित किया जाए। पहली मांग तो होगी आपकी नियमितकरण। तकरीबन कितने कर्मचारी हैं पर में? और ये पढ़ रहा था कि जो निगम की जो आपकी स्थापना हुई थी इस उद्देश्य के साथ हुई थी ताकि लोगों की आर्थिक का जरिया बन सके, कमाई के लिए तो हुई नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है सन 76 में जो 45 साल हमको पूरे हो गए हैं जो निगम गढ़वाल मंडल विकास निगम कुमाऊं मंडल विकास निगम की 31 मार्च को जो है ये स्थापना हुई थी जो है उसको। उसमें एक हमारा उद्देश्य था कि पर्यटन के क्षेत्र में हमको संभावनाएं तलाश करनी है और यहाँ के लोगों का जो है रोजगार के अवसर पैदा करने हैं और उसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम बिल्कुल खरा उतरा है जो है। बिल्कुल यहाँ से लेकर विश्व के मानचित्र पे जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम ने जो है पर्यटन के क्षेत्र में जो है गढ़वाल और उत्तराखंड का नाम को जो है रोशन किया है। और सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी भीषण आपदाएं आई हों उसमें जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम ने वॉलंटियर के तौर पर जो है काम किया है। और जब राज्य स्थापना राज्य जब बना जो है इसकी पूरी साज सज्जा जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने की है और तब से गढ़वाल मंडल विकास निगम कर्मचारी विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, सचिव वाले, राजभवन सब जगह जो है, राजभवन में तो हमारे जो है कर्मचारियों को मर्ज कर दिया गया है और उसके बाद सारे के सारे हमारे कर्मचारी आज तक वहां पे लगे हुए हैं जो हैं। तो अभी कितनी सैलरी वगैरह मिलती है गढ़वाल निगम कर्मचारियों को जो आप नियमितीकरण की बात करके? इतनी कम है कि तो उनको 17,058 रुपये हाथ में मिलते हैं जो तृतीय श्रेणी का है। जो चतुर्थ श्रेणी का है उनको मिलते हैं 13,686 जो समान कार्य का समान वेतन जिनको दे रहे हैं जो है। उसके अलावा कुछ मस्टोल कर्मचारी हमारे पास हैं जो कि काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उनको जो है 9,334 के लगभग जो है उनको जो है मिल रहा है जो है। तो इतने कम वेतन में कैसे जो है कर्मचारी जो है काम करेगा जो है? और इंटीरियर क्षेत्र में दूरस्थ समय पर मिल जाता है कि कई, क्योंकि हमने कई विभागों की भी रिपोर्टिंग करी है तो वहाँ पर वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। हाँ, यहाँ तो जैसे इस समय कोरोना के टाइम पे जो है वेतन जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो है लेट है, लेकिन इतना भी लेट नहीं है, 2-3 महीने की तो जो है पेंडेंसी चल रही है। जी भाई साहब से भी बात, थोड़ा भाई साहब आप आ गया जी, जरा आपसे ही बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आपसे ही बात कर लेते हैं, आप भी तो निगम के कर्मचारी हैं आपसे ही बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे आ जाइएगा। अपनी भाषा कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो दर्शक देख रहे हैं सारे के सारे, लाइव हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आप कहाँ काम करते हैं अभी? मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम में काम करता हूँ। क्या समस्या क्या है, मतलब किस प्रकार की? क्योंकि ये कह रहे हैं कि नियमितीकरण करो, सरकार तो इसको प्राइवेट करने के मूड में। नहीं, कर्मचारी यहाँ 20-25 साल हो गए, अभी तक रेगुलर नहीं हुए हैं। अब बेचारे का इतना कम तनख्वाह मिल रहा है, उसमें बाहर पहाड़ों में जाने में, रहने में, किराए देने में, मकान के आप अपने बच्चों को ये करने में संपन्न नहीं होते, इतने कम तनख्वाह है। अच्छा, आपको कितना समय हो गया अभी? मुझे तो हो गया सर 25-30 साल करीब। 30 साल के आसपास हो गया है इसमें? तो मैं रेगुलर हूँ सर। अच्छा। और कर्मचारी मेरे भाई है,
मैं कार्यकर्ता हूँ यूनियन के, तो इसलिए प्रमोशन नहीं हुआ है कर्मचारी के। जितने साल हो गया आदमी उसी में मर जाता है, हर जाता है। डेली वेज वाले हैं, कितने मर गए, रेगुलर नहीं हुए हैं, उनको बेचारे के पेंशन नहीं मिला है। आप हो गए रेगुलर अभी नहीं हुए? अभी मैं हो गया सर, 4-5-10 साल करीब हुआ है। आपकी क्या मांग है, आपकी मतलब जो अपने भाई लोग उनके लिए मांग है? हाँ, उनके लिए मांग है। अच्छा, समझे ना, इसलिए कि उनको भी रेगुलर किया जाए। आज जिनका परमिशन नहीं हुआ है, जब फोर्थ क्लास में मर गया, उनका आगे पद होता है, तो उनके लिए वो मांग कर रहे हैं कि उनका भी। आपका कितने सालों में हुआ था जो आप नियमित? 22 साल में हुआ था। हाँ, 22 साल में मेरा भी हुआ था। कुछ मानक हैं भाई साहब थोड़ा से, कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने साल बाद ही प्रमोशन होगा, कुछ इस प्रकार के मानक वगैरह हैं शासन स्तर से? दस साल 16 साल 26 साल का तो था ही। आप जो है 7वां वेतन लगाते हो तो 10-20-30 का जो है मानक क्या है जो है। तो हमारे यहाँ जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनका वर्ष 96 से कोई प्रमोशन नहीं हुआ जो है। पदनाम भी चेंज किया जाए। जो जो चौकीदार है, चपरासी है, तो सीनियर ये होता है, तो हर जगह होता है, शासन प्रशासन में भी मैंने देखा कि उनका ये ग्रेड दिया जाता है कि आगे चपरासी जो पोस्ट होते हैं उनको उस टाइप के परमिशन दिया जाए। लेकिन भाई साहब एक चीज़ और मैं जानना चाहता आपसे कि होगा किस तरीके से नियमितीकरण, क्योंकि हम काफ़ी धरने हम कवर करते रहते हैं। हमने PWD से लेकर उपनल कर्मचारी सबका हमने धरना कवर किया, उनकी भी एक ही मांग है नियमितीकरण की, हो किसी का नहीं रहा है। अब इसीलिए तो जो है सारे कर्मचारी परेशान है कि ये नियमितीकरण तो जो है 10 साल से 20 साल से जो है कर्मचारी काम कर रहा है, तो कब उसका नियमितीकरण होगा जो है। ये सवाल तो हम भी पूछ रहे, लेकिन होगा कैसे? क्या धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं इस तरीके से हो सकता है क्या? अब धरना प्रदर्शन जो है, जब एक अंतिम हथियार जब किसी को नहीं मिलता है, तो उसका यह होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना मांगों को जो है रखा जाए, जो धरना प्रदर्शन किया जाए, आगे की कैसी रणनीति बनती है उस हिसाब से जो है सरकार पर जो प्रेशर बनाया जाएगा जो है कि जो है ये जो है रेगुलराइजेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पद भी खाली हैं, कम से कम जो एक निरंतर हमारी प्रक्रिया चल रही थी उसको तो जो है चालू रखें जो है। जब 2012-13 में जो हमारी जो है रेगुलेशन की प्रक्रिया है, उसमें आ जाएगी जैसे जैसे पद रिक्त होंगे तो वो जो है आपको नियमित कर, लेकिन जो है वर्ष 16 से जो है ये प्रक्रिया जो है रुकी हुई है जो है। श्री प्रसाद सेमवाल जी भी UKD के नेता हैं हमारे साथ, लगातार धरने वगैरह में हम देखे जाते हैं, लगातार सक्रिय भूमिका में रहते हैं श्री प्रसाद सेमवाल जी। सेमवाल जी, एक सवाल हर जगह उठता है, नियमितीकरण की मांग उठती है। आप भी अलग अलग धरनों में आप जाते हैं तो देखते होंगे कि नियमितीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, और सरकार है कि सरकार के कानून में हम 2-3 महीने में हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, और सरकार को प्रचंड बहुमत के घमंड में ये लगता है कि उनको अपने कर्मचारियों के वोटों का कोई नुकसान नज़र नहीं आता, इनके परिजनों का और हमारे सारे कर्मचारियों का। तो ठीक है, हम सरकार की हट, अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं, और सरकार आने वाले 2022 में इसका नतीजा भुगतेगी। बाकी हमारे पास कोर्ट का माध्यम तो है ही है, कोर्ट का माध्यम तो ही, लेकिन हम बार बार भी यही बात कहते हैं कि भाई ये एक माध्यम भी है, जानबूझकर कोर्ट क्यों पहुंचाया जाता है हर बातों को। सर आप भी इससे ही हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम से? जी, मैं आशीष संजाल, जनरल सेक्रेटरी संयुक्त कर्मचारी महासंघ। अच्छा, लास्ट क्या चारा रहेगा? जैसे इन्होंने तो कह दिया कि भाई लास्ट चारा है तो कोर्ट जाएंगे तो फिर सरकार बदलेंगे, तो आप बताइए कि आपका क्या चारा रहेगा लास्ट? नहीं, चारा तो पहले थोड़ा संशोधन करूँगा। अभी UKD के मजबूत स्तंभ श्री सेमवाल जी ने कहा कि चरागाह है, GMVN और KMVN को चरागाह। मैं कह रहा ब्यूरोक्रेसी ने और नेताओं ने GMVN KMVN को चरागाह और सैरगाह भी बना रखा है। जैसे सेमवाल जी ने कहा तीसरी पर्यटन विकास परिषद बनाने की क्या ज़रूरत है, जब दो एजेंसियाँ फील्ड में सड़क जमीन स्तर पर काम कर रही हैं GMVN KMVN, तो परिषद बनाने की क्या आवश्यकता है? इनको एक क्लब होना चाहिए, बैनर एक होना चाहिए। और रही बात आपने जो कहा लाख चारा, तो कर्मचारी के बाद आंदोलन ही होता है, कर्मचारी लगे हुए हैं। पाँच साल से भाजपा सरकार ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। आज धामी जी का जन्मदिन है, पूरा शहर बैनरों से पटा पड़ा है, लैपटॉप बांट रहे हैं वो, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है, जिसने 2013 की आपदा देखी, जिसने 92 का उत्तरकाशी का भूकंप झेला, जिन कर्मचारियों ने जिन्होंने आज काम करा वॉलंटियर के तौर पर, वो आज खाली पेट है, उसके पेट पर लात मार रखी है। कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो मुख्यमंत्री के यहाँ अधिकारियों के यहाँ बर्तन माज रहा है, तनख्वाह निगम दे रहा है, ये तो बेगारी पड़ता हुई ना। आप चाह रहे प्रदेश को पर्यटन प्रदेश कैसे बना पाएंगे जब आप लोगों से बेगारी कराएंगे? पलायन रोकना था, पलायन की गति बढ़ गई है इससे।
12,000-13,000 में क्या कर्मचारी अभी क्या खाना खाएगा, क्या अपने घर को बच्चों को खिलाएगा, क्या उन्हें पढ़ाएगा। तो लास्ट चारा तो कर्मचारियों के पास हड़ताल का ही रहता है, और हड़ताल में हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। संविधा में कम कर बे उम्र गुजरी सारी, संविधा में कम कर बे उम्र बीती सारी, कबूल भाई लोगो हम सरकारी। हे विधाता कबूल हम यो सरकारी, हे विधाता कब याली हमारी बारी, हे विधाता कब याली हमारी बारी। 1,000 रुपए सिलेंडर है गो 300 रुपए तेला, 1,000 रुपए सिलेंडर है गो 300 रुपए तेला, नंतिन पालन में अब हगे छो मुश्किला, नंतिन पालन में अब हगे मुश्किला, हे विधाता कब याली हमारी बारी, कब हुलो सरकारी, विधाता कब हुलो सरकारी।